नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल में उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो इसी क्रम में एक नई वीडियो आपके सामने पेश है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन है दौलत राम की, नरेंद्र सकलानी की, देव सुमन की, मानवेंद्र सिंह की। तो बच्चों, किसकी मृत्यु हुई थी 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण? तो आंसर है इसका, आंसर सी, श्री देव सुमन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल चारण ने, भजन सिंह ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, मुकुंद राम बर्थवाल ने। तो बच्चों, किसने लिखा है उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में? ऑप्शन ए, शिवप्रसाद डबराल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी की लिखित नहीं है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है, बाकी रचनाएं मनोहर श्याम जोशी की हैं। तो एक जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहीं, जमीन आसमान जैसी करनी वैसी भरनी। तो कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है? जैसी करनी वैसी भरनी, ऑप्शन डी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके, उन्मुख चंद, हरि सिंह थापा, मनीष पांडे, दिलीप जोशी। तो बच्चों, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, हरि सिंह थापा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1994 में राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो शासकीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षवंती बिष्ट, सुमन कुटियाल, चंद प्रभा अथवाल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका, आंसर सी, चंद्रप्रभा अथवाल को। चंद्रप्रभा अथवाल को किस नाम, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महिला को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, पुरस्कारों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड तो किस महिला को दिया गया है? सुमन कुटियाल को, चंपवा एटवाल को, बचेंद्री पाल को, हर्षवंती बिष्ट को। तो किसको दिया गया था? सुमन कुटियाल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंडोर छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी बच्चों? 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। तो कब की गई थी बच्चों? ऑप्शन डी, 1836 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नौकायन। तो किससे है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। तो मधुमिता बिष्ट का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन इसका राइट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको पता है हम एक रिवीजन टेस्ट हर वीडियो के अंत में लेते हैं, तो इस बार भी एक रिवीजन टेस्ट लेंगे। उसमें दो क्वेश्चन होते हैं, उन दो क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।